आई हेट दीज फोन्स. हेट तो मतलब बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, नहीं लेकिन सीरियसली बताऊं तो मैंने 2021 में, आपको भी पता है, बहुत सारे फोन्स यूज़ करे हैं और जेन्युइनली कुछ फोन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए. लेकिन सही बात यह भी है कि काफ़ी सारे फोन्स ऐसे हैं जो आप लोगों को पसंद आए, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिके भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइप अप हुए हैं, लेकिन पर्सनली मुझे वो फोन्स इतने अच्छे नहीं लगे. काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऐसे फोन्स हैं जो मैं वो कंसिस्टेंटली मतलब रिपीटेड सेम गलतियां करते हुए आ रहे हैं और ये चीज़ फिर एक टाइम पर आके ना थोड़ी अनोइंग हो जाती है. तो काइंड ऑफ ये एक फीडबैक वीडियो होने वाला है ब्रांड्स के लिए भी, ताकि जो गलतियां 2021 में हुई है वो 2022 में हमें रिपीटेडली ना देखने को मिले और आप लोगों को भी पता लगे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. तो हाँ, थोड़ा सा फीडबैक काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है, थोड़ी सी रियलिटी आप लोगों को पता लगेगी, बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो का क्या मोटिव होने वाला है. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे. बाय द वे, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ. तो फिर शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को. तो इस 2021 में आप लोगों ने भी आई बिलीव ये चीज़ तो नोटिस करी होगी कि सैमसंग ने अपने बहुत सारे फोन्स लॉन्च करे हैं और जेन्युइनली काफ़ी सारे फोन्स उनके काफ़ी अच्छे रहे. लेकिन इतने अच्छे फ़ोन लॉन्च होने के बावजूद भी इन अच्छे फ़ोन्स में भी मुझे कंसिस्टेंटली एक अनॉइंग चीज़ देखने को मिली है कि सैमसंग के फ़ोन्स ना थोड़ा सा बैलेंस्ड फ़ोन बनाने के पीछे मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ को अच्छा देने के लिए बाकी की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है. अगर आजकल 5G का टाइम चल रहा है तो आपने देखा है 15-16 हज़ार की प्राइस में 5G फ़ोन तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद के जो फीचर्स है, कभी डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कभी प्रोसेसर में, कभी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, लेकिन फिर भी एमोलेड के साथ HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है. तो मुझे लगता है कि सैमसंग को अपने फ़ोन्स को थोड़ा सा और बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. बट हाँ, एक चार्जिंग वाला जो पॉइंट है वो तो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है. आई मीन 15,000 का फ़ोन देखो या फिर 45,000 का फ़ोन देखो, हर जगह हमें ये 15 वॉट का सो कॉल्ड फास्ट चार्जर चिपका हुआ मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए डेफिनेटली. आजकल 30-35,000 के फ़ोन में भी हमें 65 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है. तो ये तो मतलब इम्प्रूव होना ही चाहिए. तो एक बहुत ही बेसिक फीडबैक है ये, आई गेस आप लोग इस चीज़ पर तो अग्री करोगे. बट ऑनेस्टली बताऊँ तो यहीं पर एक कंपनी ऐसी है जो कि बैलेंस्ड फ़ोन बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा माहिर है, बट फिर भी उनके फ़ोन इतने ज़्यादा हाइप अप नहीं हो पाते हैं, और ये है रियलमी. आई मीन आपने भी देखा होगा कि काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में काफ़ी बैलेंस्ड फ़ोन बनाते हैं रियलमी, लेकिन फिर भी जितना तवज्जो फ़ोन को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है. इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, रियलमी GT मास्टर एडिशन काफ़ी सॉलिड स्मार्टफोन है, काफ़ी लोगों ने उस फ़ोन को पसंद किया है, लेकिन कब पसंद किया है? जब फ़ोन का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला. 26-27 हज़ार की प्राइस में फ़ोन लॉन्च हुआ था, तब उस फ़ोन की ना तो बात हुई ना वो फ़ोन हाइप अप हुआ. जब उस फ़ोन का प्राइस कट हो गया तो लोगों ने सेल में जम के वो फ़ोन परचेस किया है. सेम चीज़ रियलमी X7 मैक्स के साथ देखने को मिली है. और ऐसा इसलिए होता है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि रियलमी इतने फ़ोन लॉन्च कर देता है लाइन से कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. लोगों की छोड़ो, कंज्यूमर्स की छोड़ो, रिव्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रख पाते कि कितने फोन्स रियलमी ने लॉन्च कर दिए. एक टाइम था जब रियलमी की नंबर सीरीज, जो रियलमी 3, 3 प्रो और उस टाइम पर जो रियलमी X, X2 वगैरह लॉन्च हो रहे थे, तो लोगों को समझ में आ रहा था कि रियलमी X सीरीज किस लिए है, रियलमी नंबर सीरीज किस लिए है. लेकिन आज के टाइम पर रियलमी GT सीरीज किस लिए है, रियलमी X सीरीज किसके लिए है, रियलमी की नंबर सीरीज, रियलमी की नार्जो सीरीज, सब मिक्स मैच हो चुका है, सब घोचपोच हो चुका है. लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन सी किस प्रायोरिटी के लिए कौन सी सीरीज की तरफ जाए. तो पहली चीज तो लोगों को चीटेड फील होता है जब वो एक महंगा फोन परचेस कर लेते हैं और उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो जाता है, या फिर एक अच्छा फोन परचेस कर लेते हैं उसके बाद एक नया फोन लॉन्च हो जाता है वो भी उससे कम की प्राइस में और ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ. सेकेंड, वही थोड़ी सी लिमिट लगाए तो शायद से लोगों को भी समझ में आए कि किस प्रायोरिटी के लिए और किस चीज़ों के लिए रियलमी की कौन सी सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए. लेकिन इस पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक कंपनी ऐसी है जिसको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ पता है कि कब कौन सी सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च करना है और कौन सी सीरीज़ को कब किस टाइम पर डिसकंटिन्यू करना है. लिटरली शाओमी रेडमी ने अपने काफ़ी सारी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया है, जैसे कि जो MIA सीरीज़ आती थी जहाँ पर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स देखने को मिलते थे, MIA1, A2, A3 लॉन्च हुए, उसके बाद वो सीरीज़ डिसकंटिन्यू कर दी गई. इसके अलावा रेडमी की Y सीरीज़ डिसकंटिन्यू हो गई, रेडमी की K सीरीज़ के सिर्फ 2 ही फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए, K20, K20 Pro, उसके बाद उन्होंने वो सीरीज़ भी इंडिया में नहीं लॉन्च करी है. तो कहीं ना कहीं सही डिसीज़न लेते हैं रेडमी वाले. लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी अनोइंग है वो है रीब्रांडिंग की. अगर रेडमी
का कोई फोन फेमस हो जाता है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते उसको मिल्क करने में। वही फोन वो पोको ब्रांडिंग के अंडर भी लॉन्च करेंगे, Xiaomi ब्रांडिंग के अंडर भी लॉन्च कर देंगे। Redmi 9 Power पोको M3 बन के आया था, अभी Redmi का Note 11 जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो Note 11 T बन के इंडिया में लॉन्च हो रहा है, पोको M4 Pro बन के ग्लोबली लॉन्च हो रहा है। तो हाँ, ये रीब्रांडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनॉइंग लगता है, और है भी, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हो तो ठीक है, आपको पता है चीज़ें के सेम फोन्स हैं, लेकिन वो कंज्यूमर्स जिनको कभी कभी जो 2-3 साल में फ़ोन लेते हैं और जिनको नहीं इतने अच्छे से फॉलो करते हैं और उनको है कि यार मुझे रेडमी का फ़ोन नहीं लेना है, और सेम फ़ोन अगर वो पोको के अंडर ले लेते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने डिफरेंट फ़ोन लिया है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने सेम फ़ोन लिया है। तो ए नाम की चीज़ को वो बी नाम से भी बेचेंगे, सी नाम से भी बेचेंगे, डी नाम से भी बेचेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से गलत चीज़ें हो रही है। सेकेंड, जो वो प्राइसिंग अपने फ़ोन की बढ़ा देते हैं जब फ़ोन का डिमांड हो जाता है। तो मैंने रेडमी नोट 10 को अगर 12,000 का समझ के रिव्यू किया है और आप 2 महीने बाद वो रिव्यू पर देखोगे जब उस फोन का प्राइस 14,000 हो चुका है, तो आपको भी लगेगा यार फोन तो ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस डेफिनेटली, मैंने तो 12,000 का सोच के रिव्यू किया था, अभी फोन का प्राइस बढ़ गया है तो इसमें कंपनी की गलती है, तो यहां पर कंपनी को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। बाकी इन सब के अलावा एक ब्रांड ऐसा है जो कि अच्छा करते करते आज के टाइम पर यूजर्स का ट्रस्ट खोते हुए जा रहा है, और वो है वन प्लस। मेरे अकॉर्डिंग वन प्लस ने जब से अपनी नॉट सीरीज इंट्रोड्यूस करी है ना, उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है वन प्लस की ना कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं जो कि यूज़र्स एक्सपेक्ट करते हैं। एक उनका अलर्ट स्लाइडर, सेकंड उनका UI ऑक्सीजन OS, और ये दोनों चीज़ों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेल खेला है। नॉट सी में अलर्ट स्लाइडर उड़ा दिया तो वो चीज़ें लोगों को हजम नहीं हो पाई। सेकेंड, वन प्लस नॉट 2 के अंदर उनका जो UI था वो मर्ज हो गया कलर OS के साथ, बैकेंड में मतलब मर्ज हो चुका है। और अभी तो ये भी निकल के आ रहा है कि वन प्लस के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो भी मतलब ओप्पो के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो आप फोन तो वन प्लस का परचेस करोगे लेकिन कहीं ना कहीं वन प्लस को ऑपरेट ओप्पो ही कर रहा है, तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो दो नाम लेकिन एक कंपनी जो है ओप्पो। तो ये वाली चीजें हो रही है जो कि यूजर्स को हजम नहीं हो पा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग वन प्लस को अपना स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करना चाहिए ताकि वो वापस से यूजर्स का ट्रस्ट गेन कर सके। बाकी देखो, ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड के लिए ही मेरे पास फीडबैक है, मैं उसी ब्रांड को फीडबैक दे रही हूँ जिसके फोन मैंने यूज करे हैं। तो एक ब्रांड ऐसा भी है जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा है आज के टाइम पर, वो है मोटोरोला। इनके फोन्स एक टाइम पर ऐसा था, सही टाइम पर नहीं लॉन्च होते थे पहली चीज़। तुम सही टाइम पर लॉन्च हो भी जाते थे अगर कुछ फ़ोन्स, तो उसमें कमियां देखने को मिलती थी। फॉर एग्जांपल मोटो जी 5G अच्छा स्मार्टफोन था 21,000 की प्राइस में, क्योंकि एक साल पहले आई गेस वो फ़ोन लॉन्च हुआ था, मैक्सिमम 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन 21,000 की प्राइस में IPS LCD डिस्प्ले नहीं डिजर्व करती थी। तो आज के टाइम पर मैंने देखा है, एक तो मोटोरोला सही टाइम पर फ़ोन लॉन्च कर देता है, जैसे कि मोटो की एज सीरीज एकदम परफेक्ट टाइम पर लॉन्च हुई है, मोटो S20 फ्यूजन वगैरह पूरी सीरीज में हमें AMOLED पैनल देखने को मिला है जो कि सही चीज़ है। अभी जो मोटो की जी सीरीज लॉन्च होने वाली है, G31 G51, जितना मुझे सुनने में आ रहा है यहाँ पर हमें AMOLED डिस्प्लेज देखने को मिलेगी, जो निकल के आ रहा है उसी के हिसाब से बता रही हूँ। तो हाँ, ये सही चीज़ है कि सही टाइम पर सही फोन लॉन्च कर रहा है मोटोरोला, बस यही चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। बाकी देखो, इस पूरे वीडियो में मैंने उन्हीं ब्रांड्स के बारे में बात करी है जिनका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिनको पर्सनली जिनके फोन्स मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी समझ में आएगा कि जिस ब्रांड के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या फिर जिसका फ़ोन आप परचेस करना पसंद करते हो, उनके बारे में आप लोगों को पता लगे और ब्रांड को भी फीडबैक मिले कि उनको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम और आप फीडबैक देंगे तभी तो ब्रांड इम्प्रूव करेगा। और इसी तरह के फीडबैक आप मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो वैसे कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन हाँ, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इन्फिनिक्स, टेक्नो, माइक्रोमैक्स, IQ जैसे ब्रांड भी है जिनको मैंने यूज़ किया है, लेकिन कम यूज़ किया, और इनका क्या है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ही अपने फ़ोन्स लॉन्च करते हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, माइक्रोमैक्स, तो इनको लेके मेरे पास ज़्यादा फीडबैक नहीं है। है भी तो मैं अपना फीडबैक बचा के रखूँगी। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करोगे या फिर नहीं फ्यूचर में, अगर होगा तो आगे और भी वीडियोस इस तरह के आ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो लाइक करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।